नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं और एक कमाल की वीडियो। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A31 के बारे में, जो कि 4 जून को लॉन्च हुआ है। इसके सारे डिटेल, स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी प्राइस रहेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू में थोड़ी सी फ़ोन की लुक्स देख लेते हैं कि फ़ोन देखने में कैसा होने वाला है। चलिए बात करते हैं इसकी हाइलाइट्स की तरफ। तो इसके अंदर जो है हमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप हमें इसके अंदर देखने को मिल पाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो हमें 6.4 इंच की फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल पाती है इन्फिनिटी यू नॉच के साथ। और इसके अंदर जो है, यदि परफॉर्मेंस वाइज इसकी बात करें, तो इसके अंदर जो है हमें MediaTek का हीलियो P65 2.4 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर हमें इसके अंदर देखने को मिल पाता है। इसके अलावा यदि बात करें, इसके अंदर एक ही स्टोरेज वेरिएंट हमें अवेलेबल हो पाता है, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हमें डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिल पाता है, जिससे हम इसकी मेमोरी इंक्रीज कर सकते हैं 256 GB और इससे अबो तक। यदि बात करें इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर जो है 5000 mAh की बैटरी यूज़ की गई है। 15W का फास्ट चार्जिंग ये फ़ोन सपोर्ट करता है। और इसके अंदर यदि OS की बात करें, तो Android 10 के ऊपर ये रन करता है। और इसके अंदर Samsung का One UI 2.1 इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि बात करें, तो इसके अंदर जो हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमें इसके अंदर देखने को मिल पाता है। साथ ही में इसके साथ हमें जो है फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल पाता है। और Dolby DTS का सपोर्ट भी इसके अंदर देखने को मिल पाता है। HDR भी ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ड्यूअल 4G वोल्टेज जो सिम कार्ड का सपोर्ट है, वो हमें देखने को मिल पाता है। नोटिफिकेशन फ्लैश लाइट इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिल पाती है। डेडिकेटेड 3.5 mm ऑडियो जैक मिल पाता है। डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट हमें मिल पाता है, यानी हम 2 SIM और मेमोरी कार्ड एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें, इसके साइड के अंदर जो है हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन देखने को मिल पाता है। साथ ही में एक पावर बटन देखने को मिल पाता है। अलग से इसके अंदर गूगल असिस्टेंस बटन नहीं दिया गया है। इसके अलावा यदि अप साइड की बात करें, तो इसके अंदर जो है हमें U-Infinity नोच देखने को मिल पाती है। नॉइस कैंसिलेशन के लिए सेकेंडरी माइक देखने को मिल पाता है। यदि बॉटम के अंदर बात करें, तो इसके अंदर जो हमें USB Type-C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल पाता है। साथ ही में हमें 3.5 mm ऑडियो जैक इसके अंदर देखने को मिल पाता है। स्पीकर ग्रिल मिल पाती है और प्राइमरी माइक जो है इसके अंदर देखने को मिल पाता है। इसके अलावा यदि बात करें इसके कैमरा की, तो इसके अंदर जो है रियर कैमरा की यदि बात करें, तो क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसके अंदर 48 MP का जो है मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर है। इसके अलावा 8 MP का जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर हमें इसके अंदर देखने को मिल पाता है। इसके अलावा 5 MP का माइक्रो कैमरा लेंस इसके अंदर हमें देखने को मिल पाता है। और 5 MP का लाइव फोकस जो है वो हमें इसके अंदर देखने को मिल पाता है। यदि फ्रंट कैमरा की बात करें, तो इसके अंदर जो है 20 MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर इसके जो फ्रंट के अंदर है इन्फिनिटी यू नॉच के साथ, उसके अंदर हमें देखने को मिल पाता है। यानी आपकी सेल्फी भी बड़ी ही कमाल की इस फोन के साथ आने वाली है। इसके अलावा यदि बात करें, तो इसके अंदर जो है हमें सीन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो देखने को मिल पाता है। NFC पेमेंट जो है सैमसंग पे है वो इसके अंदर इनेबल्ड है। और ये था इस फ़ोन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको फ़ोन ज़रूर अच्छा लगा होगा। फ़ोन अच्छा लगे ना लगे, वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, जो भी आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और इसी तरीके की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए अभी थोड़ा सा इसकी प्राइस के बारे में और बात कर लेते हैं। इसकी प्राइस आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए थी। वैसे इसकी प्राइस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इसकी प्राइस जो है लगभग 22,000 रुपये के आसपास होने वाली है, यानी 21,999 रुपये की प्राइस के अंदर ये हमें देखने को मिलने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।